हाय गाइस, रार्दम इंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेटिंग का पार्ट टू। दोस्तों अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए, पार्ट टू में भी हम लोग बहुत सारे फॉर्मेटिंग के बारे में बताएंगे। तो बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम सब से कभी कभी यह गलती हो जाती है कि जब भी हम लोग वर्ड में कुछ टाइप करते हैं तो टाइप करते करते हम लोग कोई किसी वर्ड को बहुत एक ही वर्ड को गलत लिख देते हैं पूरे फाइल में, जिसकी वजह से हमें एक एक करके सारे वर्ड को डिलीट करके वापस लिखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इसे आप ठीक बिना एक ही बार में कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, एक ही बार में इसे ठीक करने का और तरीका है। दोस्तों इसके लिए आप सिंपली उस यहाँ पर आप होम टैब में आइए। यहाँ पे आपको एक एडिटिंग ग्रुप दिखेगा जहाँ पे तीन ऑप्शन होंगे, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। आप दोस्तों फाइंड वाला ऑप्शन, रिप्लेस वाला ऑप्शन कर दीजिए, दबाइए। दोस्तों रिप्लेस वाला ऑप्शन आप जैसे ही दबाएंगे तो आपके यहाँ पर दो एक 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 डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें ऊपर में लिखा होगा फाइंड फाइंड व्हाट और नीचे रिप्लेस विद। दोस्तों आप सिंपली उस वर्ड को दबा दें, आप उस वर्ड को फाइंड वाले में लिख दें, उस ऑप्शन में आप वर्ड लिख दीजिए जैसे आपने पूरे डॉक्यूमेंट में RIGST राइट को WRIGST राइट लिखा है। तो दोस्तों आप फाइंड वाले ऑप्शन में WRIGST राइट लिखिए, माने लिखना, जबकि आपको लिखना था RIGST। और नीचे में एक ऑप्शन होता है रिप्लेस विद, तो दोस्तों आप उस ऑप्शन में आप लिख दीजिए RIGST राइट। तो क्या होगा, आपका जो WRIGST राइट था वो पूरे डॉक्यूमेंट में रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यहीं तक नहीं, आप वर्ड लिखिए, फिर यहाँ नीचे में कुछ ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, तीन ऑप्शंस आएंगे, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट और कैंसिल। दोस्तों अगर आप कैंसिल दबाएंगे तो आपका फॉरगेट बॉक्स हट जाएगा, अगर दोस्तों आप रिप्लेस दबाएंगे तो आपको स्मोक आप रिप्लेस सिर्फ एक ही दो वर्ड कर पाएंगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप रिप्लेस ऑल दबा देंगे तो रिप्लेस ऑल से क्या होगा कि आपका आपकी जितने भी वर्ड राइट को आप WRIGST राइट लिखा था वो सब RIGST राइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों एक और बात, अगर आपको ये फाइंड और एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स बिना उसको सिलेक्ट कर दबाना है, आप Ctrl+H की दबा दें। जी हाँ दोस्तों, Ctrl+H अगर ये दबाएंगे तभी ये डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा, समझे दोस्तों। दोस्तों एक फीचर मैं आपको और बताता हूँ, दोस्तों यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप में आप दूसरे नंबर पर जो रिप्लेस है उसी के ऊपर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा फाइंड। दोस्तों इस फाइंड से क्या होगा, अगर आपने कोई एक वर्ड गलत लिखा और आपको वो मिल नहीं रहा है तो आप सीधा इस फाइंड वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, फिर आपको जोन सा भी वर्ड आपको खोजना है उसकी स्पेलिंग लिख दीजिए, फिर क्लिक कर दीजिए, आपको जो भी वर्ड आप ढूंढ रहे थे अगर वो आप में आपके डॉक्यूमेंट में होगा तो आपको वो वर्ड सारे वर्ड से अलग हाइलाइटेड दिखाएगा, यानी सारे वर्ड से थोड़ा अलग दिखाएगा। और अगर नहीं होगा तो आपको ये भी लिखाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में ये वर्ड नहीं है, समझे दोस्तों। ये ऑप्शन भी आप ज़रूर यूज़ किया कीजिए अगर आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा हो तो। दोस्तों जैसे उसका Ctrl+H है करके, इसका है Ctrl+F। दोस्तों हमारी अगली फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर अपने टेक्स्ट को थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट देना है तो दोस्तों आप क्या कीजिए, सबसे पहले उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उस सेलेक्ट के बाद आपके सामने एक फॉन्ट ग्रुप आएगा, वहाँ पे तरह तरह के आपको ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, जैसे कि आपको बोल्ड का ऑप्शन, अंडरलाइन का ऑप्शन, कलर चेंज करने का ऑप्शन, टेक्स्ट में इफेक्ट डालने का ऑप्शन और शेडो देने का ऑप्शन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाए जाएंगे। दोस्तों आप इनमें से जो सा चाहे वो वाला फॉर्मेट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अगर आप बी दबाएंगे तो आपकी जो टेक्स्ट है वो बहुत अच्छे से बोल्ड हो जाएगी। दोस्तों अगर आप इसी के साइड वाले आई को दबाएंगे तो दोस्तों हम लोग स्कूल में सुनते थे कि अगर कॉपी थोड़ी टेढ़ी करके
लिखें तो हमारी हैंडराइटिंग अच्छे से हो, और हमारी हैंडराइटिंग अच्छे भी जब दिखती है, जब हमारी हैंडराइटिंग में जो हम लोग लेटर्स लिखते हैं वो थोड़े से कर्व हो। समझे दोस्तों, आपको भी ये बात पता होगी। दोस्तों अगर आपको अपने इसमें ऐसे ही इफेक्ट डालने तो आप आई दबा दीजिए, आई जैसा झुका हुआ आपको दिखेगा उसी वैसा ही आपका जो फॉन्ट है वो झुक जाएगा। उसी के साइड में दोस्तों आपको एक यू लिखा दिखाई देगा, उसके नीचे वो यू अंडरलाइंड है। इसका मतलब दोस्तों आप अपने उस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अगर आपको उसे भी बोल्ड करना है तो उसे दबाकर आप बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। चलिए दोस्तों, उसी के साइड में मैंने आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में बताया था। उसके ऊपर दोस्तों आपको एक ब्रिटैनिक बोल्ड ऑप्शन दिखाई देगा, उससे आप फैसला कर पाएंगे कि आपका कितना बोल्ड है। उसी के साइड में दोस्तों आपका जो फॉन्ट है उसका साइज चेक कर सकते हैं। आप दोस्तों चाहे तो बहुत ही बड़ा फॉन्ट ले कर सकते हैं और चाहे तो बहुत छोटा भी कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ये अच्छा इफेक्ट है, इससे आप अपने टेक्स्ट का साइज बड़ा और घटा सकते हैं। उसी के नीचे आप देखेंगे दोस्तों तो आपको दिखेगा एक ए लिखा हुआ जो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। दोस्तों इस ए को दबाने से आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा जिसकी में आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि आपको कैसा जो टेक्स्ट में लिखवाना है। आप चाहें तो दोस्तों इसको इसमें आउटलाइन दे सकते हैं, तो दोस्तों आप चाहें तो इसमें शेडो दे सकते हैं, इसका रिफ्लेक्शन। दोस्तों आप चाहें तो इसको अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल राधा मेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बी सेफ बी सिक्योर, जय हिंद जय भारत।